राजधानी भुवनेश्वर रे ड्रेन रे नाबालक भासी घटना 18 घंटा रु ऊर्ध समय पर भी वर्तमान पर्यंत निखोज नाबालक पत्ता मिले नाही। रविवार दिन 3टा रु नाबालक ड्रेन रे भासी जाईथिला परे अग्निशम कर्मचारी दीर्घ समय जाए उद्यम करथिले तबे ड्रेन निकट रु साइकिल उद्धार होइथिले मध्ये नाबालक रो कोनोसे संधान मिलि पारि नाही। गतकाली राती अधिक हेबारु उद्धार कार्य बंद रहिथिबा बेले आज सकाळु पुणि थरे उद्धार कार्य आरंभ होईछि। रविवार अपराधरे नाबालक जनक ट्यूशन सारी साइकिल रे घर को फेरुथिबा बेले ड्रेन भितर को खसी पड़िथिले। तबे केवल गतकाली रो घटना नुहे पूर्वरु मध्ये राजधानी एभली मुकुला ड्रेन रे भासी जाई अनेक जीवन जाइथिबा देखिबाकु मिलिछि। बारंबार एभली घटना बीएमसी रो खामख्याली मनोभाव को पदारे पकाइछि जहाँ को नहीं उभय कांग्रेस एवं बीजेपी पक्षरु खंडगिर थाना रे बीएमसी विरोध रे अभियोग कराजबा सहित मुकुला ड्रेन गुड़िक स्लाब पकाइबाकु दाबी होइछि। तबे बाबद्रे अधिक सूचना पई आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि सीधासळख जोड़ी होती स्वप्नांजलि। स्वप्ना वर्तमान किसी अपडेट आसूच कि जे वर्तमान केते पुणी अग्निशम बाहिनी वर्तमान ये ऑपरेशन रे जारी होती खोजाखोजी वर्तमान सुधा केते समय है पुणी चलला देखते निहाती भाव चिन्मय ये काली गोटे बड़ दुखद अभावन घटना भुवनेश्वर राजधानी में घटी जाए जो सिरीपुर एक बालक 15 वर्षीय ना बालक जीक ड्रेन ने पड़ जाइार जहाँ सूचना मिलता और वर्तमान पर्यंत तार कौन खोज खबर मिल पारिना। घर लोक सेतक पर्यटन अभोग आनी पा कहीं मिल पारना। पुलिस और अग्निशम विभाग ओडिशा फायर एंड डिजास्टर टीम विभिन्न जगार बर्तमान खोलताड़ आरंभ कर खोजाखोजी चली सीधा सड़क दृश्य आपको देखापी चाहिए जे ये हूँ पंचसखा नगर लेन नंबर 3 रे आज सका प्राय 6टा समय आसी अग्निशम विभाग पहुँची और टीम रे 10 जन सामिल होती यहाँ 10 जनिया टीम 4टी गठन होता कथा जहाँ पुलिस अधिकारी आमको सूचना दूसरे ये दिन तमाम ये प्रक्रिया चलो कौली भाव से नाबालक को खोजापी वर्तमान जोरदार प्रस्तुति चली। कि बड़ कथा बड़ प्रसंग चिन्मय उठू कौली भाव में भुवनेश्वर खोला ड्रेन पड़ुछि एवं मुकुला ड्रेन पड़ुछि जहाँ फल छोट पिलामानकु मध्य ये कोठना कोठी सांघातिक स्थिति मध्य आमे सामना रे देखुचे कहीं पूर्वरु बारंबार आमे खबर मध्य प्रसारण करथिलु जे कोभली भाव में मुकुला ड्रेन पड़ुछि जहाँ फल पिलांकठ आरंभ करी वयस्क पर्यंत कोठना कोठी क्षतिग्रस्त होउछन्ती एवं ये सांघातिक चित्र सामना को आसीछि। जो भली भाव में वर्तमान आपण स्थिति देखुछन्ती जे पूरा दूर दूरांतर केनाल बा नाळ रे वर्तमान खोजाखोजी आरंभ चलीछि एवं ओड्राफ टीम एवं जहाँ डिजास्टर टीम मध्य पहुंची एवं ये सीधा सड़क दृश्य आम देखा आम सहित पुलिस अधिकारी जोड़ी होती पचारे आज पूरा दिन तमाम केमती कौन खोजाखोजी चलो सर आज नाबालक को खोजापी के टीम गठन होम रो भाव में टीम केतज लेखाएं मेम्बर रे पूरा प्रक्रिया आज कौन र हाँ देखो आम तो लेट नाइट पर्यंत सर्च ऑप्शन जारी रखुलु आज अर्ली मॉर्निंग रु आसी आम 40 फायर पर्सनेल 4 गोटी टीम कराई प्रति टीम 10-10 जन मेम्बर रोचान लाइफ बॉय लाइफ जैकेट प्लस आमर फायर हुक एवं फायरमैन एक्स आईआरबी जोटा बोट धरिक जाने सर्च ऑपरेशन जारी रही आम चेष्टा कर आज क्विक आज पॉसिबल आम बॉडी ट्रेस आउट कर जो भाई भाव चिन्मय आप शुणुते जो भाई भाव में चेष्टा वर्तमान पर्यंत जारी रही कोभली भाव में नाबालक को खोजापी कहीं प्रसंग उठू जब राज्य सरकार कहते स्मार्ट सिटी हूँ भुवनेश्वर सब प्रकार सुविधा लोक रही से स्मार्ट सिटी एभली अभावन दृश्य देखा मिली छोट छोट पाने जितेबाला स्कूल ट्यूशन रू फेरिक आसुचा स्थित सामना को आसी कौटिना कौटि निहाती भाव दुख दुखदायक घटना कहीं जो भाव में स्मार्ट सिटी हूँ सब भल बोली डिंडीम पिटुवा राज्य सरकार को वर्तमान असल चित्र सामना को आसी कहीं पूर्व ड्रेन गुड़िक बंद है कहीं पूर्व जो भाव में अव्यवस्था स्मार्ट सिटी पूरण कराला वर्तमान विरोधी दल नेता मध्य सामना को आसी बीजेपी कांग्रेस उभय पक्ष वर्तमान तीव्र निंदा कर बड़ आंदोलन करा दाबी रही ये सामना लोकंर जहाँ कथा सामना को आसू चिन्मय जे कोभली भाव में पिला जो भाया सुरक्षा देवा कथा कहीं ये ड्रेनेज्र समस्या कथ कहतु केनाल समस्या कथ कहु
କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସବୁ କେନାଲ ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫା ହେଉନଥିଲା ଇଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାବାଳକ ଶିଶୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜାଷ୍ଟର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ପୁରା ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପୁରା ସମସ୍ତ କେନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ଇଏ ହେଉଛି ଲେନ୍ ନମ୍ବର 3 ପଞ୍ଚସଖା ନଗରରେ ଯେଉଁଠି ପୁରା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଟିର ପତ୍ତା ମିଳୁ ଏବଂ ପିଲାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରାଯାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।